नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएच स्टडी में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कृषि विभाग के बारे में। इसमें जो वैकेंसीज खाली पड़ी है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट कर रखा है, इसमें आईएएन की 143 पोस्टें खाली और जेएएन की 250 पोस्टों से भी ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी है। और पिछले 6 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, और ये बोल सकते हैं 23 साल हो गए एक तरह से। जो आईएएन जेएन की 6 साल पहले आई थी और आईएन की 23 साल पहले आई थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले से, अभी तक तो कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो काफ़ी समय बीत चुका है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी कृषि सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग हो चुकी है। तो जल्दी आपको ये उम्मीद कर सकते हैं अपने कि आपको जेएन और आईएन की वैकेंसी कृषि विभाग में देखने को मिले। और पोस्टें काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी है, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि आपको जल्दी ये देखने को मिल सकती है। और आरएसएमएसएस भी वही बोर्ड कराने वाला है। और अभी सुपरवाइज़र का जो पोस्ट निकली हुई है एग्रीकल्चर में, उसका पेपर होने में टाइम है अभी, यानी कि मेरे हिसाब से वो जून जुलाई के बाद में ही होगा। अभी इतनी जल्दी तो होना मुश्किल है उसका। तो ये जो भर्ती आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये असिस्टेंट इंजीनियर हो गया और जूनियर इंजीनियर की, तो ये आपको अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, यानी कि जून जुलाई के बाद में ही कुछ होगा। अगर होगा तो जो भी आपके इससे रिलेटेड खबरें आएंगी वो जून जुलाई के बाद में आएगी। तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में अपने ये नहीं कह सकते कि 1-2 महीने में ये वैकेंसी निकल जाएगी, लेकिन हाँ जून जुलाई के बाद से ही थोड़ी निकलने की संभावना है। और उससे पहले अगर निकलनी होगी तो नोटिफिकेशन वगैरह आपको ये दे सकते हैं, यानी कि एक नोटिफाई कर सकते हैं यहाँ इसकी निकलने की संभावना है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईन आईएन की, और एक आरपीएससी में भी निकलने वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आरपीएससी में अपने जो जूनियर इंजीनियर हो गया वो टीआर है, वो भी काफ़ी जल्द आने वाली है। तो उसके बाद में ये निकलेगी। तो जो भी इसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ है वो जारी रखिए, क्योंकि कोर्स सबका सेम ही है, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। 2-3 वैकेंसी एक साथ आएगी। और इसके अलावा जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर होगा, वो 2 पेपर होंगे, सिंगल पेपर होना मुश्किल है। 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। और क्योंकि लास्ट टाइम भी जो आरएसएम ने पेपर कराया था आईएन का, उसमें 2 पेपर हुए थे, और आरपीएससी भी 2 ही पेपर कराता है, और जेएन की जहाँ तक बात है वो सिंगल पेपर ही होगा। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी एग्रीकल्चर विभाग से रिलेटेड कि इसमें वैकेंसी कब तक निकल सकती है, और काफ़ी टाइम से नहीं निकली है, तो निकलने की संभावना है कि नहीं, तो मैंने आपको सारा बता दिया। और बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी इस तरह की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।